हेलो एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नया वीडियो पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, देखिए हमारा ई रिक्शा में दो टाइप की मोटर लगा होती है, एक होती है हमारा 850 वाट की और एक होती है हमारा 1000 वाट की। तो हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में कि 850 वाट और 1000 वाट में फ़र्क क्या है, 850 वाट में क्या हो सकती है और 1000 वाट में क्या हो सकती है। आज की इस वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी देने की आप लोगों की कोशिश करूँगा। तो और एक बात दोस्तों, देखिए जो हमारा 1000 वाट की मोटर है, 850 वाट में हम कैसे उसको कन्वर्ट करें, आज के इस वीडियो में ये भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आप अगर एक मैकेनिक है कि आप ई रिक्शा चलाती है तो इस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन उसे भी ऑल कर दीजिए, क्योंकि हमारा इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए जो हमारा 1000 वाट और 850 वाट इसमें फ़र्क क्या है। तो देखिए जो हमारा 1000 वाट की मोटर है, आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये बड़ा मोटर है और 850 वाट की मोटर है छोटा मोटर है। तो सही बात आप लोगों में सही जानते हैं, लेकिन एक बात आप लोगों ने नहीं जानते हैं, तो 850 वाट में क्या होती है और 1000 वाट में क्या होती है, ये बात शायद आपने नहीं जानती होंगी। तो ये बात नहीं जानती है तो इस वीडियो को देखकर आप जान जाएंगे 100%। तो देखिए दोस्तों जो 850 वाट में हमारा क्या काम हो सकती है, मान लीजिए आप ई रिक्शा चलाती है और पैसेंजर ही का काम करती है, मतलब कोई पैसेंजर इधर से उठाया उधर से डाल दिया, तो ठीक है आपका ले 850 वाट। अगर आप किसी भी तरह के सामान ले जाती है, बड़ी से बड़ी चीज़, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ ले जाती है, बहुत ही लोड लेती है आप ई रिक्शा में, तो आपको 1000 वाट डालना सही है। 1000 वाट में देखिए आप जितना लोड दे सके आप दे सकते, 850 वाट में ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए 850 वाट में छोटा मोटा ही काम कर सकते, ज़्यादा लोड वो नहीं लेगा। और एक बात दोस्तों, 850 वाट का जो मोटर लगाते हैं बहुत ही स्पीड होती है, और 1000 वाट की जो मोटर है वो स्लो चलती है, थोड़ा और स्लो चलती है, फिर चार्ज भी ज़्यादा खाती है, और 850 वाट में चार्ज कम खाती है और स्पीड भी चलती है। अगर आप पैसेंजर का काम करती है, पैसेंजर भी उठाती है, तो हमारा 1000 वाट की मोटर है उसको हम कैसे 850 वाट में कन्वर्ट करें, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ऐसो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम टेबल पे आ गए, आपको ए रिपेयरिंग करने के लिए, मतलब जो 1000 वाट की मोटर है आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, तो ये 1000 वाट की मोटर है, इसको 850 में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस प्रकार के टूल्स लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा आपको। तो दोस्तों आप लोग एक बात बता देना चाहता हूँ, इसका देखिए जो इसका एक्चुअली आर्क होगा, इसमें रियल 850 वाट में कन्वर्ट नहीं होगा दोस्तों, जो चार्ज माइलेज है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपका बैटरी पुराना हो गया है, आपका सर्विस नहीं देती है ठीक से, तो आप ये करने से दोस्तों आपका चार्ज बहुत देगा, और आप ज़्यादा लोड नहीं लेती है रिक्शा में, तो आप ये कर सकते हैं, कोई बात नहीं इसमें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ आप लोगों को इसका अंदर भी बताऊंगा, उसका बाद आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, आप नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। ये जस्ट एक चीज़ है, बहुत ही लोगों का कहना है कि जो जिसका पास भी 1000 वाट का मोटर है वही लोगों का कहना है कि हमको 850 मोटर चाहिए, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि हमको 850 मोटर चाहिए 850। तो हम इसी प्रकार का यूज़ करते हैं, तो हम इसी काम करते हैं, क्या करें, ज़्यादा हम 850 मोटर को डाल देंगे तो उसका जो 1000 मोटर है वो मोटर क्या होगा, इसीलिए पैसा भी कम खर्च में आप लोगों को अच्छी चीज़ मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं मोटर को ऑलरेडी खोल दिया हूँ, उसका बाद आप लोगों का कुछ ऐसे समझाना चाहता हूँ, उसका बाद आप लोगों का बोलूँगा। तो देखिए ये जो 1000 वाट की बैंडिंग है और 850 वाट की बैंडिंग है, इसमें दोनों से बहुत फ़र्क है दोस्तों। ये देखिए 1000 वाट की बैंडिंग में कुछ वायर्स ज़्यादा लगती है और 850 वाट की बैंडिंग में वायर कम लगती है। तो ये हमारा 1000 वाट की मोटर है, तो ये देखिए पुराना है इसलिए आप लोगों को शायद नहीं दिखा रहे होगा, ये 1000 वाट की ही मोटर है। तो आपको क्या करना होगा, इसका जो आपका माइलेज नहीं देती है ज़्यादा से, तो आपको एक काम करने से आपका बहुत ही ज़्यादा माइलेज देगा इस मोटर में ही।
तो आपको आप लोड नहीं ज़्यादा लेती है। तो इधर पे देख सकती है आप तीनों फेज है हमारा, एक ब्लू येलो ग्रीन, तो इन तीनों फेज है। और इधर पे आप एक देखेंगे तो छोटा वाला इस तरह का एक लीड मिलेगा, और दो ही लीड हमारा होती है ई रिक्शा मोटर के अंदर। तो देखिए ये जो हमारा लीड है ये तीनों ऑयर से गया है, मतलब इसका तीन ऑयर अलग है। इसका बैंडिंग कनेक्शन आपको पता है तो आपको थोड़ी बहुत ही अच्छी हुई। देखिए इसका बैंडिंग कनेक्शन आपको नहीं मालूम, आप लोग मेरे से कमेंट करती है तो मैं एक वीडियो आप लोगों को ज़रूर बनाऊंगा इसको कैसे बैंडिंग करते हैं, इसका फैसिलिटी क्या है। तो देखिए गाइस ये जो आप देखते हैं ये चीज़, तो इसको आपको कुछ छेड़खानी करनी है, उसका बाद ये आपका 850 वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इधर पे जो आप देख सकते हैं ये तीन लीड के अंदर होती है, एक अंदर की तरफ गया है, एक उस साइड से आया है, एक इस साइड से आया है, तो ये तीनों सेम है। तो इधर पे ये जो इस साइड का जो ऑयल आप देख सकते हैं इधर पर 15 से 16 ऑयल है, उधर पर आपको जस्ट 5 ऑयर कट कर देना है, ज़्यादा ऑयर नहीं दोस्तों, 5 से 6 ऑयर कट कर देना है, और इसका जो माइलेज है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप शायद सोच रहे हैं कि मैं फालतू बकवास वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के भड़काने के लिए, नहीं दोस्तों मैं बहुत सा मर्डर कर चुका हूँ, लगभग 200 से आसपास ये जो इसका कटिंग मैं कर चुका हूँ, अभी तक किसी के पास भी प्रॉब्लम नहीं आया, आप भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ किसी भी कस्टमर के पास अप्लाई करते हो जो उसका 1000 वाट मोटर है उसको 850 में कन्वर्ट करके, तो उसका जो फीस है 250 रुपीज़ उसका फीस है दोस्तों, आप 5 मिनट में 250 रुपीज़ कमा सकती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यही था आप लोगों के लिए छोटा सा एक जानकारी। तो वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और आप अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे।